सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऋषियों प्राचीन समय की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। राधे राधे। ब्राह्मण होकर के भी कभी उसने भगवान का पूजन नहीं किया। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऋषियों ये ब्राह्मण बड़ा आतताई हो गया था और इसका नाम था देवराज। यह बड़ा पापी था, चारों वर्णों का धन ठगी से हरण कर लेता था। बेईमानी से ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों का धन इसने हरण कर लिया था। सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े पापों को करता हुआ विचरण करता था। एक दिन यह घूमता भागता दैव योग से झूसी में चला गया। झूसी प्रयाग में गंगा के पार एक झूसी नाम का गांव है, उसमें चला गया। राधे राधे। मास ने देखा एक शिवालय है, इस शिव मंदिर में जाकर के, क्योंकि वहां भगवान शिव की कथा का गुणगान हो रहा था, तो उस भगवान शिव के मंदिर में ये चला गया। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा श्रवण करा रहे थे। ये तो बड़ा पापी था, भगवान की कथा से इसको कहां प्रेम था। लेकिन वहां इसको बड़ा तेज बुखार हो गया। इतना तेज बुखार हुआ कि सारे शरीर में पीड़ा होने लगी और ये वहां से चलने फिरने में असमर्थ हो गया। तो वही भगवान शिव के मंदिर में लेट गया, उठाई नहीं गया और ज्वर बढ़ता ही गया। बड़ी पीड़ा इसको हुई। तो वहां लेटे लेटे इसके कानों में वो जो ब्राह्मण भगवान शिव की कथा श्रवण करा रहे थे, इसके कानों में पड़ी। राधे राधे। एक महीने तक ये वहीं पड़ा रहा, इसका ज्वर ठीक नहीं हुआ और एक मास तक इसने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया। भगवान शिव की कथा श्रवण करते करते एक दिन इसका प्राणांत हो गया, बुखार ठीक ही नहीं हुआ और ये चल ही बसा। यमराज के गणेश को लेने के लिए आए, जैसे इसको लेकर चलने लगे तो भगवान शिव के गण, नंदी, भृंगी आदि सभी हाथ में मुदगर, त्रिशूल लेकर के दौड़े हुए आए और उन्होंने इन यम के दूतों को मारना प्रारंभ कर दिया। राधे राधे। और इनको मार मार कर के बेहाल कर दिया और इस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर के यमराज के पास में गए। तो यमराज ने भगवान शिव के गणों को देख करके इनका बड़ा सम्मान किया और अपने गणों से कहा कि जो भगवान शिव की कथा श्रवण कर चुका है, वह चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, हम उसको लाने की अधिकारी नहीं है। इसने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया है, इसलिए अब ये भगवान शिव के धाम को ही प्राप्त होगा। राधे राधे। तो सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, प्यारे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान शिव की कथा सुन करके ये देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गया है।